वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड फ्रेंड। जो मैं आज वीडियो लाई हूँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लग रही है। आज हम बनाएंगे DIY आईब्रो जेल, आप देख सकते हैं मैंने बनाया है और ये मैंने लगाया भी हुआ है। यू कैन सी डिफरेंस आईब्रो पे मेरी, देख सकते हैं कि कितना अच्छी मेरी आईब्रो लग रही है, जबकि मेरी आईब्रो भी बनी भी नहीं है। बट मेरी आईब्रो काफी वेल शेप्ड लग रही है, काफी थिक लग रही है, काफी बढ़िया मुझे लग रही है। और घर पे बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आप अपने उस पर करवाते हैं ना, क्या कहते हैं, आईब्रो पेंसिल जो आती है उससे आप आईब्रो बनाते ना, तो पता नहीं मुझे ऐसी लगती है राक्षसों की आईब्रो जैसी लगती है। वो जैसे राक्षसों की होती है ना, बिल्कुल बड़ी बड़ी सी, और वो ऐसी लगती है जैसे कि नेचुरली नहीं लगती, साफ पता चलता है कि हाँ हमने आईब्रो पेंसिल लगाई है। बट नो वन कैन से कि मैंने ये आईब्रो जेल लगाया है या कुछ भी लगाया है। आप देख सकते हैं, आप कह नहीं सकते कि मैंने कुछ ऐसा इसमें मतलब कुछ आईब्रो पेंसिल लगाई, ऐसे लग रहा है कि मेरी नेचुरल आईब्रो है। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है आईब्रो जेल वगैरह, जो भी आप हाई फाई मेकअप वगैरह करवाएंगे तो आप आईब्रो जेल आप देखेंगे कि बाहर जो मॉडल्स वगैरह कभी उनकी आईब्रो बिल्कुल इतनी अच्छी लगती है, और इसमें आईब्रो काफी वेल शेप्ड लगती है, काफी ठीक लगती है, एंड मोर ओवर काफी नेचुरल लगती है। और मैंने इसमें जो चीजें यूज की थी ये भी बहुत बहुत आपके पास अवेलेबल होगी। मैंने जैसे इसमें कोकोआ पाउडर डाला था, मैंने इसमें ब्लैक शेडो डाला था, थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो डाला था, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग मुझे पिगमेंट थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो डाल दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा कलर चाहते हैं, आपको ब्लैक चाहिए ब्राउन चाहिए, पर ब्लैक ज्यादा मत डालिएगा फिर वही अजीब सी कलर आ जाएगा। तो मैंने ब्राउन ब्लैक और उसको कोकोआ पाउडर मिक्स करके डाला है। और अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप ब्राउन आई शेडो ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो की, हम घर पे आईब्रो जेल कैसे बना सकते हैं। इट्स अ आईब्रो जेल, और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार बोलूंगी कि सब्सक्राइब करो, और वो करो, कर दो ना सब्सक्राइब यार। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड ये आईब्रो जेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। ये मैंने 1 टेबलस्पून डाला है एलोवेरा जेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोआ पाउडर। फ्रेंड हमें कोकोआ पाउडर थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ हमें ज़्यादा नहीं डालना है। फ्रेंड मैंने इसमें लगभग 1 टीस्पून मैंने कोकोआ पाउडर डाला था। आप चाहे तो ब्राउन कलर का आई शेडो भी डाल सकते हैं। फ्रेंड मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल रही हूँ, ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं डालना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल रही हूँ। ये फ्रेंड मैं ब्लैक आई शेडो डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना पिगमेंट चाहिए, कितना ब्राउन चाहिए, कितना ब्लैक चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, मैं थोड़ा डाल रही हूँ, अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं दोबारा से डाल दूंगी थोड़ा सा और। फ्रेंड मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्राउन आई शेडो को थोड़ा सा और डार्क करने के लिए। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा एडजस्ट कलर इसका कर सकते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्राउन कलर। फ्रेंड हमारा आईब्रो जेल तैयार है, और फ्रेंड मैं इसे अभी हाथ में लगा के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंट कितनी अच्छी है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा बढ़िया सा आईब्रो जेल तैयार है। तो मैंने इस आग पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं मेरी दोनों आईब्रो पे डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाली आईब्रो मेरी काफी अच्छी लग रही है काफी, और ये थोड़ी सी ज्यादा वो नहीं लग रही। आप देख सकते हैं दोनों का कितना अच्छा, इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रही है मेरी आईब्रो। और आप देख सकते हैं कोई इसमें ऐसा कलर नहीं है। और मैं अब आपको इस आग पे लगा के दिखाती हूँ कि बस मैं ये, आप इसमें चाहे कोई भी ऐसा, मैंने पुराना आईलाइनर ब्रश लिया है, आप चाहे तो आई शेडो ब्रश ले सकते हैं, कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं। तो मैं इसे अपनी दूसरी आँख में लगा के दिखा रही हूँ। फ्रेंड यू कैन सी कितना अच्छा इसका, दोनों आंखें एक जैसी लग रही है आईब्रो मेरी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, घनी घनी बिल्कुल। और जबकि मेरी अभी आईब्रो बनी नहीं हुई, मुझे बनवानी है, मेरी आईब्रो की शेप अभी सही नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी आईब्रो लग रही है, और ये बिल्कुल भी
देख सकते हैं आप में कोई कलर नहीं है इसमें, काफी सूख सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई आईब्रो पेंसिल नहीं लगाया, ऐसा लग रहा है कि मेरी नेचुरल आईब्रो ऐसी है। तो आप घर पे ही बनाइए आईब्रो जेल, बहुत ही इजी है बनाना। मैंने इसमें कोकोआ पाउडर डाला था, ब्लैक आई शेडो डाला था थोड़ा सा, थोड़ा सा मैंने इसमें, मुझे पिगमेंट थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर और डाला था। बाकी अब अपने अकॉर्डिंग आपको कैसा पिगमेंट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।